अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। इसमें हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो आपके पास 4 मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें हम फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम पढ़ेंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आप 3 लॉस पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद आपके पास है फ्रिक्शन और लास्ट में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स को आप समझ लेते हैं। डायनेमिक्स आपके पास है ब्रांच मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या था? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन। जितनी भी चीज़ें मोशन में है उसकी जब हम स्टडी करते हैं, हम क्या करें उसकी मैकेनिक्स करें। मैकेनिक्स की आपके पास 2 ब्रांचेस थी, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? मोशन के ही बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें यह नहीं पढ़ते कि किस वजह से मोशन प्रोड्यूस हो रही है। आप इसमें कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ते, क्लियर? ये हम इसके ऊपर पहले एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, मैं लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ, आप लिंक इसका देख सकते हैं, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर है। आज जो हमारा टॉपिक है वो इसकी ब्रांच नंबर 2, मैकेनिक्स की ब्रांच नंबर 2, जिसको हम डायनामिक्स बोलते हैं, उसके ऊपर है। डायनामिक्स आपके पास क्या है? डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन प्लस कॉज ऑफ मोशन। मतलब इसमें हम कॉजेस के बारे में भी पढ़ते हैं कि किस वजह से ये मोशन प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गया? इसमें हम उसके कॉज, उसकी वजह लाजमी पढ़ेंगे कि एक मोशन किस वजह से प्रोड्यूस होती है। तो आप खुद सोचें कि जितनी भी मोशंस प्रोड्यूस होती है किस वजह से प्रोड्यूस होती है। जब एक बॉडी अगर रेस्ट पर पड़ी है, आप उसको धिक्का देते हैं, तब जाके वो बॉडी अपनी जगह से मूव करती है, मतलब फोर्स। तो फोर्स इज द मेन कॉज ऑफ मोशन। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3.1 से। 3.1 टॉपिक आपके पास है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फोर्स को, क्योंकि फोर्स आपके पास वो चीज है जिसकी वजह से एक बॉडी मोशन स्टार्ट करती है। जितनी भी मोशन आप अगर नोट करें तो किस वजह से स्टार्ट होती है? फोर्स की वजह से। फोर्स मतलब कुव्वत। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि अगर एक रेड़ा यहाँ पर पड़ा है, एक कार्ट है यहाँ पर, उसको मैं मूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या प्रोवाइड करूँगा? उसको धिक्का दूंगा, उसको फोर्स दूंगा। इसी तरह से अगर एक दरवाज़ा है वो बंद है, मैं उसको खोलना चाहता हूँ, उसको मोशन मिलाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा? या तो उसको पुश करूँगा या तो उसको पुल करूँगा। पुश और पुल आपके पास क्या है? टाइप ऑफ फोर्स ही, मतलब फोर्स ही आपके पास। इसी तरह से अगर फैन है, एक पंखा है, उसको मैं मूव कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? उसको धिक्का तो नहीं दूंगा, लेकिन बटन ऑन करूँगा बिजली का, तो वहां पर क्या हो जाएगा? फैन स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर जो उसको फोर्स मिली, कौन सी फोर्स मिली? इलेक्ट्रिकल फोर्स मिली। इसी तरह से अगर एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट के जरिए दूसरे मैग्नेट को मैं अगर मूव करवाना चाहता हूं, तो मैं मैग्नेट उसके नजदीक लेके जाऊंगा, वो मैग्नेट अपनी तरफ उसको खींचेगा। तो यहां पर जो उसको फोर्स मिल रही है कौन सी? मैग्नेटिक फोर्स मिल रही है। इसी तरह से अगर इस मार्कर को मैं यहां से छोड़ दूं, मैं चाहता हूं कि मोशन आ जाए, तो क्या करूंगा? इसको यहां से मैं जैसे छोड़ूंगा, तो आप नोट करें ये कहां पर जा रहा है? ये मूव किया जमीन की तरफ। अब जमीन ने इसको अपनी तरफ खींचा, मोशन मिला है। अब यहां पर जो मोशन हुई, जो मोशन हुई किस वजह से हुई? ग्रेविटी की वजह से। जमीन ने इसको अपनी तरफ खींचा और यहां पर जो फोर्स लगी उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस वजह से आपके पास, इस तरह से आपके पास काफी टाइप की फोर्सेज आती हैं जिसकी वजह से मोशन स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? तो आपके पास मेन कॉज ऑफ मोशन आपके पास क्या है? फोर्स। फोर्स को स्टूडेंट्स डिफाइन कर लेते हैं। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। पहली बात तो ये कि फोर्स आपके पास क्या? एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी थी? वो क्वांटिटी जो हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। हर वो क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट हम ले सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट इसमें आप ये देखें, ये इसका दूसरा पॉइंट है, मूव और टेंड टू मूव मूव एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या कर सकता है, उसको मूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज ग्राउंड के ऊपर एक पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल क्रेट पड़ी हुई है, तो आप अगर इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने की वजह से क्या हो सकता है? इसमें मूवमेंट आ सकती है, मोशन स्टार्ट कर सकता है। क्लियर हो गया? मूव करा सकता है और टेंड्स टू मूव अ बॉडी, या मूव करने की कोशिश कर सकता है। ऐसा भी तो नहीं ना कि हर एक चीज के ऊपर अगर कोई फोर्स लगाए तो वो लाजमी बात है कि मूव करे। लेट सपोज ये दीवार है, अगर इसको मैं मूव करना चाहूं तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरे से ज्यादा, इसका मास भी ज्यादा है मेरे हिसाब से, तो इसकी फोर्स मेरे मुकाबले में काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर रिएक्शन अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। क्लियर है? क्लियरली इसका सेकंड पॉइंट में बोलते हैं स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी की मोशन को भी रोक सकता है। लेट सपोज एक फुटबॉल है और एक प्लेयर ये फुटबॉल को किक मारता है, इस फुटबॉल को किक मारता है एक गोलकीपर की तरफ, तो गोलकीपर क्या कर सकता है? इस फुटबॉल को रोक सकता है। सही है? इसके हाथों में आएगा, रुक जाएगा, तो ये इसने क्या कर लिया? एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक लिया। सिमिलरली अगर एक क्रिकेटर, एक बैट्समैन एक बॉल को शॉट मारता है, तो आगे जाके एक और प्लेयर उस बॉल को जब कैच करता है, तो कैच करने से क्या कर लिया? इसने इसकी मोशन को स्टॉप कर लिया। क्लियर? अब इसका मतलब ये हो गया कि एक ऑब्जेक्ट को हम रोक भी सकते हैं इनर्शिया की मदद से। सही है? अब लाजमी नहीं है कि ऐसा ही हो, कभी कभी ऐसा होता है। लेट सपोज एक ट्रक आ रहा है, अब ट्रक आप देखें तो उसका मास काफ़ी ज़्यादा है और उसकी वेलोसिटी भी काफ़ी ज़्यादा, आप उसको अगर रोकने की कोशिश करते हैं तो हम उसको नहीं रोक सकते। रीज़न क्या है? कि उसका मास बहुत ज़्यादा है, उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है,
तो यहाँ पर जो चीज़ डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है अगले का मास वगैरह भी डिपेंड करता है, तभी जाके हम उसको स्टॉप कर सकते हैं और टेंड्स टू स्टॉप, स्टॉप करने की कोशिश कर सकते हैं, और ऊपर वाला है मूव करना और मूव करने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पर मैंने एक और डेफिनेशन बनाई हुई है फोर्स के लिए, देखिए इस फोर्स की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहते हैं इट कैन चेंज, क्या चेंज कर सकते हैं, द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। स्पीड और डायरेक्शन को ये चीज़ चेंज कर सकती है, मतलब आप अगर किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उससे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसकी स्पीड चेंज होगी या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अच्छा, इस चीज़ को मैं लेता हूँ एक एग्जांपल से। लेट सपोज अगर एक फुटबॉलर है और वो किक मारता है, एक और फुटबॉलर को पास देता है, तो अब आप खुद नोट करें कि जिस बंदे को इसने पास दिया वो आगे जब पास देगा तो वो क्या करेगा, असल में इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जब डॉजिंग वगैरह फुटबॉल में कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, असल में इस डायरेक्शन ही चेंज कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? सिमिलरली अगर एक बैट्समैन शॉट मारता है तो बॉल जिस डायरेक्शन में और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ पर भी इसने क्या कि डायरेक्शन चेंज की। स्पीड तो चेंज होती है, साथ डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। फोर्स का अगर मैथमेटिकली फोर्स को फाइंड करें तो देखिए फोर्स आपके पास कितनी होती है, फोर्स बनती है न्यूटन है मास से, फोर्स बनती है मास एंड एक्सेलरेशन। अगर हम इन दोनों को पता करें आपके पास क्या बन जाती है, फोर्स बन जाती है। क्लियर हो गया? मतलब की फॉर्म में फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास इसका है मैथमेटिकल फार्मूला, इसकी डिटेल में आगे आपको लॉज ऑफ मोशन में जाके बताऊंगा, फिलहाल आपको यही याद रखना है। अब अगर आपसे मैं पूछता हूं कि ये कौन सी क्वांटिटी, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, आप देखें तो आपके पास जो फोर्स है ये आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि आपके पास मास तो स्केलर क्वांटिटी है, मास आपके पास है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन एक्सेलरेशन आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी। और जब भी स्केलर और एक वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इससे क्या बनता है, वेक्टर बनता है। डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या आता है, वेक्टर। तो हमारे पास ये कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर मैं लिखूं आपके पास फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इसका अगर यूनिट देखा जाए तो इसके यूनिट को हम बोलते हैं, यूनिट को हम बोलते हैं न्यूटन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये एक न्यूटन एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पर ही ये यूनिट इसका डिफाइन हुआ है। और वन न्यूटन किसके बराबर होता है, हम यहां से इसका अगर फार्मूला निकालना चाहें तो फोर्स का जो वन न्यूटन है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और ये न्यूटन बराबर होता है, इसका सैंपल है वन न्यूटन बराबर होता है, मास का यूनिट क्या है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। आपके पास वन न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके साथ आप देखें तो आपके पास फोर्स की कुछ टाइप्स भी हैं। फोर्स की टाइप आपके पास दो टाइप्स में यहां पर तो स्टूडेंट्स आपके पास फोर्सेस की दो टाइप्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स नेम से ही समझ आ रहा है, ऐसी फोर्सेस जब आप लगाते हैं तो इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट रखना पड़ता है, मतलब इसमें आपके पास एक बॉडी क्या होगी, फिजिकल कॉन्टैक्ट में होगी, फिजिकल टच होगी। क्लियर हो गया? फिजिकल टच, फिजिकली टच हुई होगी आपस में, तब जाके फोर्सेज लगती हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है, इसमें आपके पास बॉडी नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, नॉट इन फिजिकल या टच, या आपस में बॉडी टच नहीं होंगी फिजिकली। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर इस मार्कर को मैं फेंकता हूं तो ये कहां पर जाएगा, जमीन की तरफ जाएगा। अब यहां पर जो फोर्स लगी ग्रेविटेशनल फोर्स, अब क्या यहां पर ये आपस में कांटेक्ट में, जमीन तो काफी नीचे है और ये यहां पर है, इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, तो ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स लगती है वो आपके पास क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स भी आपके पास क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट जो टॉपिक है वो आपके पास है इनर्शिया, क्योंकि फोर्स हम कर चुके हैं, अब हमने करना है इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स इनर्शिया के बारे में आपको समझा देता हूँ। इनर्शिया आपके पास एक बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि एक बॉडी की जो भी पोजिशन होती है तो ये बॉडी चाहती है कि मैं हमेशा उसी पोजिशन में रहूँ, अपनी पोजिशन को ये चेंज नहीं करना चाहती। जिस स्टेट में एक बॉडी पहले से है तो बॉडी चाहती है कि मैं उसी स्टेट में हमेशा रहूँ। अगर आप उसको चेंज करना चाहेंगे उस स्टेट से तो वो कोशिश करती है कि मैं अपनी स्टेट को चेंज ना करूं। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहेगी कि मैं हमेशा रेस्ट में रहूं। क्लियर? सिमिलरली अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी चाहेगी कि मैं हमेशा मोशन में ही रहूं। इसी की डेफिनेशन को यहां पर लिखा गया, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। तो ये आपके पास क्या, एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी, एक खसूसियत है, ड्यू टू विच इट रिजिस्ट, ये क्या करती है, रिजिस्ट करती है। रिजिस्ट मतलब मुखालफत करती है या ओपोजिशन करती है, ओपोजिशन का मतलब क्या है, नहीं होने देती, रोकती है एनी चेंज, अपनी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आने देती। चेंज नहीं आने का मतलब क्या है कि बॉडी पहले जिस स्टेट में है तो ये कोशिश करेगी कि मैं उसी स्टेट में रहूं, अपना आप चेंज ना करूं। इसी तरह
इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है तो कोशिश करी कि रेस्ट में रहूं, अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो किस में रहने की कोशिश करेगी, मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी। तो हमें ओवरऑल इनर्शिया की ये समझ आ गई कि इनर्शिया एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी अपने आप को उसी स्टेट में रखने की कोशिश करती है जिस स्टेट में वो पहले से है, न्यू स्टेट लेने की कोशिश नहीं करती। क्लियर हो गया? उसकी मुखालफत करती है, ओपोजिशन करती है। इसको हम सॉल्व करेंगे या समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। आपकी बुक में दो एग्जाम्पल्स हैं लेकिन इसके लिए आप काफ़ी एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हैं। इस इनर्शिया को समझने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको ले लेते हैं। पहली एग्जाम्पल है कि एक बस मूव कर रही है, उस बस में आप भी हैं, तो लाजिम बात है उस बस की जो वेलोसिटी होगी आपकी भी वही वेलोसिटी है। लेट्स सपोज बस की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी भी वेलोसिटी होगी 50 किलोमीटर पर आवर। आप भी मोशन में, बस भी मोशन में, या बस भी मोशन में तो आप भी मोशन में। अब वो बस मोशन में है और आप भी मोशन में। अब जैसे वो बस आगे मूव करिए तो आगे लेट्स सपोज रेड लाइट ऑन हो गई, सिग्नल ऑन हो गया, तो बस ने ब्रेक्स लगा देनी अचानक। अब वो बस तो रेस्ट में आ जाएगी क्योंकि उसका फिजिकल कांटेक्ट जमीन के साथ है, वो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगी। लेकिन आपकी बॉडी बिल्कुल, आप खड़े में हैं बस में, आपने किसी चीज को पकड़ा हुआ नहीं है, तो आपको आगे की तरफ एक पुश मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? आप आगे की तरफ मूव करते हैं ना, बस जैसे ब्रेक लगेगी तो आप आगे की तरफ मूव करते हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन इसका सिंपल ये है, इनर्शिया। इनर्शिया ये चाहता था आपकी बॉडी पहले किस में थी? बस मोशन में, आप भी मोशन में थे। बस जैसे रुक गई तो आपकी बॉडी नहीं रुकना चाहती, आपकी बॉडी चाहती है कि मैं किस में रहूं? मोशन में रहूं। अब आपकी बॉडी जैसे रुक जाएगी, अब यहां पर क्या है? इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप नोट करें कि बस पहले मोशन में थी, आप भी मोशन में थे, बस तो रुक गई क्योंकि फिजिकल कॉन्टेक्ट हो गया उसका, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है वो बस के साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट में, लेकिन आपकी ऊपर वाली बॉडी चाहेगी कि मैं किस में रहूं? मोशन में रहूं। तो इस वजह से आप आगे की तरफ मूव हो जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू कि आप बैठे हुए हैं बस में, बस खड़े हुए हैं, उसी सिग्नल पर खड़ी है, एकदम स्पीड लगी तो आप किस तरफ को पुश मिलेगा? आप पीछे की तरफ जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या चाहता था कि आपकी बॉडी पहले किस में थी? रेस्ट में थी, और जिस पोजीशन पर आप पहले थे तो आपकी बॉडी चाहेगी कि आप उसी पोजीशन में रहो, जबकि बस आपको आगे की तरफ लेके जा रही है, आपकी बॉडी ये, तो आपकी बॉडी इनर्शिया आपको अपनी जगह पर लाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें पीछे की तरफ पोजीशन। तो ये आपके पास इनर्शिया की मिसाल है। सिमिलरली आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट्स सपोज आप कुछ कॉइन्स ले लें, कॉइन्स आप ले लें, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, तो इस कॉइन्स को आप देख सकते हैं, नीचे आप छोड़ दें, आप इस कागज को से निकाल लें, कुफ कर दिए इस कागज को, लेकिन क्यों? कॉइन्स मेरे रेस्ट में है, जो बेस है उसमें क्या थी? वो में आ गई थी, और ये कॉइन्स फिर भी रेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक इसमें है आपके पास मोमेंटम, और मोमेंटम को मैं काफी डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। मोमेंटम आपके पास क्या है? स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर मोमेंटम की दो डेफिनेशन लिखी है। पहली डेफिनेशन ये है द क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि एक बॉडी जितनी मोशन से मूव कर रही है उस मोशन की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? उसको मोमेंटम बोलते हैं। क्लियर हो गया? सिमिलरली आप उसको अगर और एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रोडक्ट, आप दो चीजों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी चीज को, मास को एंड लीनियर वेलोसिटी, मतलब मास को आप जब वेलोसिटी कर मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी से, तो इससे आपके पास क्या चीज प्रोड्यूस होती है? मोमेंटम प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गया? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैथमेटिकली कैसे लिख सकते? पहली बात है कि मोमेंटम को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। मोमेंटम का सिंबल आपके पास है पी। क्लियर हो गया? अब मैं इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो कैसे लिखूं? मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई आप करेंगे, किस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे? मास को, और किसको? वेलोसिटी को, मतलब लीनियर वेलोसिटी को। तो मैं यहां पर लीनियर, आपके पास वेलोसिटी भी फिर दो टाइप की होती है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, यहां पर मैं लीनियर वेलोसिटी ले रहा हूं। क्लियर हो गया? अगर इसको मैं सैंबल्स की फॉर्म में लिखूं तो मोमेंटम का सैंबल होता है पी इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी। अब आपको पता है कि वेलोसिटी आपके पास कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, जबकि मास आपके पास क्या? स्केलर क्वांटिटी। और जब भी स्केलर और वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट हम लिखते हैं तो इससे क्या आता है? आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास मोमेंटम भी कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहां पर आपने यूनिट और क्वांटिटी लिखा है, तो आप क्वांटिटी में तो सिंपल लिख सकते हैं आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये बाय नेचर आपके पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। यूनिट इसका क्या बनता है? आप खुद देखें कि आपके पास है मोमेंटम इज इक्वल टू, यहां पर है मास, मास का यूनिट क्या होता है? केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड।
तो ये आपके पास इसका यूनिट है, इसका एक और यूनिट भी है न्यूटन, सेकंड भी आप इसका ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक और टॉपिक है, रिलेशन ऑफ फोर्स विद चेंज इन मोमेंटम। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देखें। सबसे पहले आपको कह रहे हैं कि रिलेशन ऑफ फोर्स विद चेंज इन मोमेंटम, मतलब फोर्स का रिलेशन, फोर्स का चेंज इन मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है। तो आप ये चीज याद रखें, जब भी आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, मतलब टाइम गुजरने के साथ साथ मोमेंटम में चेंज आएगा, तो ये बराबर होता है फोर्स के। मतलब इसका ये है कि ये फोर्स ही इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। क्लियर हो गया? एक बॉडी के ऊपर जब भी टाइम गुजरने के साथ साथ उस मोमेंटम में चेंज आएगा, तो ये बराबर होगा उसके नेट फोर्स के, मतलब टोटल फोर्स के। अब इस चीज को स्टूडेंट्स आप इसकी बेसिक डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। इसी चीज को अगर मैं फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना चाहूं, तो इसको मैं फॉर्मूला में ऐसा लिख सकता हूं। यहां पर मैंने लिखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मोमेंटम में जब चेंज आता है, तो चेंज इन मोमेंटम के लिए हम क्या लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी, ऊपर वेक्टर क्वांटिटी लिख दिया। टाइम रेट, मतलब टाइम में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, टाइम में भी क्या आ रहा है, चेंज, ये बराबर है किसके, ये आपके पास बराबर है फोर्स के। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं फोर्स, और फोर्स भी आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है, रेट ऑफ या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। मतलब इसका यह है कि ये आपके पास फोर्स ही प्रोड्यूस हो रही है। अब इसी चीज की अगर मैं डेरिवेशन करना चाहूं, तो कैसे डेरिवेशन करूंगा, ये डिराइव कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक चीज याद रखें, आप लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहां पर उसका एक हैंड दे देता हूं। लेट सपोज यहां पर एक बॉडी है, यहां पर पड़ी एक टेबल के ऊपर या जमीन के ऊपर एक बॉडी, और इसका मास है एम, इसका मास है एम। अब जब भी आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, अब आप अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो लाजिम आता है इसके बीच में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी, तो यहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसी डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? तो यहां पर इसी चीज को हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का एक कानून है सेकंड लॉ, आगे जाके आपको मैं पढ़ाऊंगा डिटेल से। तो इसके मुताबिक हम ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहां पर लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन का जो दूसरा कानून है उसके मुताबिक एफ इज इक्वल टू है एम ए। क्लियर हो गया? फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी। इस चीज को मैं बोल लेता हूं फार्मूला नंबर वन लिख लेते हैं, या इक्वेशन नंबर वन लिख लेते हैं। अब एक और चीज देखें कि आपके पास एक्सेलरेशन, अब मैंने यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करनी है, एक्सेलरेशन असल में मैंने क्या करना है, इस फॉर्मूला से ये चीज बनानी है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, एक्सेलरेशन ले ले, एक्सेलरेशन आपके पास क्या, एक्सेलरेशन आपके पास बराबर है चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप यहां पर देखें वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी बराबर होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बराबर है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। अब यहां पर इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा पुट इट इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन मेरे पास कहां पर है, ये रही, तो मैं लिखूंगा एफ इक्वल टू एम, अपनी जगह पर लिख लिया, ब्रैकेट डाला, और इस ए की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, या चेंज इन टाइम, क्योंकि टाइम में भी क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। अब यहां पर एक चीज नोट करें कि ये एम मल्टीप्लाई हो रहा है इस वी एफ से, और यही वाला एम मल्टीप्लाई हो रहा है वी आई से भी। तो मैं यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, एफ इक्वल टू एम, जब वी एफ से मल्टीप्लाई हुआ तो आगे एम वी एफ माइनस, और यही वाला एम जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा एम हो गया। सिमिलरली अगर मेरे पास लिखा है एम वी आई लिखा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो ये बराबर होता है मोमेंटम के, लेकिन यहां पर आपके पास वी आई लिखा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम। तो यहां पर इनकी मैं वैल्यूज लिख लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा, यहां पर मैं स्टूडेंट्स आगे कर रहा हूं, एफ इक्वल टू आ जाएगा एम वी एफ की जगह क्या लिख लेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस, और यहां पर आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम इसकी जगह पर, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब आप खुद देखें, ये आपके पास है फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो मैं यहां पर लिख लूंगा एफ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो आप नोट करें, आपके पास वही चीज आ गई जो हमने ऊपर प्रूफ करनी थी। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पर हमने एक और टॉपिक स्टार्ट कर दिया जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, इसका नेम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से नेम से ही समझ, कंजर्वेशन का मतलब यह है कि जब एक चीज़ चेंज ना हो, मतलब आफ्टर और बिफोर या इनिशियल और फाइनल कंडीशन उसकी क्या हो, सेम हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्व्ड क्वांटिटी बोलते हैं। सही है, तो मोमेंटम भी क्या आपके पास कंजर्व्ड क्वांटिटी है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें ना ही तो एनर्जी इन हो सकती है ना ही तो एनर्जी आउट हो सकती है। लेट सपोज आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपके पास गैस पार्टिकल्स हैं और ये कंटेनर है क्लोज। अब बाहर से अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर देता हूँ, हीट देता हूँ, कुछ भी करूँ, अंदर वाले पार्टिकल्स को बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंजर्व्ड सिस्टम बोलते हैं या आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। क्लियर हो गया, इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट लिख लिया समझाने के लिए। स्टेटमेंट आपके पास ऐसी है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर दें, जीरो कर दें, अगर एक सिस्टम है हम खुद बोल रहे हैं कि उसमें ना ही तो एक्सटर्नल फोर्स आप इन कर सकते हैं ना आउट कर सकते हैं, एनर्जी ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, मतलब ये कि आप उसमें टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दें, तो उस सिस्टम के बीच में, मतलब वो सिस्टम कौन सा, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लियर है, ये बीच में शर्त आइसोलेटेड सिस्टम, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, आपके पास जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम आपके पास क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। टोटल मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहने का मतलब क्या है, टोटल मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहने का मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या होगा, जीरो। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो बराबर होगा किसके, फाइनल मोमेंटम की। ये कंडीशन हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स, अब यहां पर इसी चीज की मैं अगर मैथमेटिकल डेरिवेशन करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, देखिए हमने इससे पहले एक चीज पढ़ी, वो चीज आपके पास ये है कि आपके पास फोर्स किसके बराबर है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद चेंज ऑफ टाइम, ये चीज हमने पढ़ी है। अब अगर आपके पास है आइसोलेटेड सिस्टम, हमारे पास कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमने क्या चीज पढ़ी कि आइसोलेटेड सिस्टम में आपके पास जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स आपके पास क्या होती है, जीरो। इसका मतलब ये कि यहां पर मैं क्या चीज पुट कर सकता हूं, जीरो पुट कर सकता हूं, तो यहां पर मैं लिख लूंगा जीरो, क्योंकि आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो मेरे पास आ जाएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। क्लियर हो गया, तो यहां पर जब जीरो आ गया तो ये टी जब इससे मल्टीप्लाई होगा, आप खुद देखें ये वाला टी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम आपके पास सिर्फ बच गया, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। वही कंडीशन आपके पास आ रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के। यहां पर मैं लिख सकता हूं ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वेक्टर साइन भी साथ में डाल लेते हैं, इक्वल टू जीरो। अब यहां पर मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस वाली वैल्यू को उस साइड पर शिफ्ट कर दूं, जीरो से उस साइड पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा फाइनल मोमेंटम इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन प्रूफ हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि आपके पास अगर आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो उसमें आपके पास इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा, मतलब मोमेंटम आपके पास चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंजर्व्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर इसी चीज़ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पर साइड पर आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपकी बुक्स में भी दी जाती है। एक बार फिर स्टेटमेंट को देख ले, मैंने स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज की है। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर आपके पास है तो इसका जो मोमेंटम होगा वो आपके पास चाहे दो बॉडीज हों या दो से ज़्यादा बॉडीज अगर आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो वो क्या रहेगा, रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब हमेशा सेम रहेगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास मिसाल के तौर पर दो मासेज हैं, हमने यहाँ पर स्फीयर्स ले लिए हैं, दो स्फीयर्स हैं और दोनों के दोनों स्फीयर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपके पास मास वन आपके पास थोड़ा है जबकि आपके पास एम टू क्या है, बड़ा है, मतलब आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू भी। लेकिन आपके पास जो वेलोसिटी वन है, मतलब आपके पास जो शुरू वाले मास की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है या वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में, वो क्या है, ज़्यादा है, जबकि M2 की आपके पास वेलोसिटी क्या है, कम है, मतलब एक स्लो जा रहा है और एक तेज जा रहा है। तो अब आपको भी पता है कि ये जाके एक टाइम पर जाके उससे टकराएगा और उसके बाद इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन ले लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन हम ये लेते हैं, इनिशियल केस हम लेते हैं, सही है ना, इनिशियल केस। तो इनिशियल केस में आपके पास ये कंडीशन है कि दोनों मासेज एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके लिए हम क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को मैं डिनोट करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी को मैं यहां पर डिनोट करूंगा u से। क्लियर हो गया, इनिशियल वेलोसिटी को मैं किससे डिनोट करूंगा, u से, और जो फाइनल वेलोसिटीज होंगी उनको मैं डिनोट करूंगा v से। जस्ट देखिए सैंपल है इनको डिफरेंस करने के लिए। अब यहां पर कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी मास वन की है तो वो है आपके पास u1, लाजिम बात है मास वन है, तो उसका आपके पास इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मैं यहां पर लिख लेता हूं इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास वन। तो ये आपके पास कितना होगा, ये आपके पास बराबर होगा
पी वन के, क्लियर है आपके पास, ये बराबर होगा पी वन के, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं पी वन, मतलब इनिशियल मोमेंटम पी वन आपके पास कितना है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास किसके बराबर होगा, ये आपके पास बराबर है, इसको मैं यहां पर अपने से नाम दे देता हूं पी आई वन दे देता हूं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ वन, ये आपके पास किसके बराबर है एम वन यू वन के, क्लियर हो गया, मास वन की इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली हमारे पास दूसरा है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम, सॉरी इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास टू, तो ये आपके पास बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास टू, मैंने लिखा है पी आई और यहां पर टू लिखा है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास टू, तो ये आपके पास बराबर होगा एम टू यू टू, क्लियर हो गया। तो ये मैंने यहां पर इसको इक्वेशन वन बोल दिया और इसको इक्वेशन नंबर टू बोल दिया। अब यहां पर आप नोट करिए, मेरे पास है इनिशियल केस, ये मेरे पास है बिफोर कोलिजन, सही है ना, ये आपके पास है बिफोर कोलिजन, जब ये आपस में टकराने से पहले इनकी जो कंडीशन थी वो है। अब यहां पर ऐसा होता है कि ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, लाजिम आते जो पीछे से जो मास आ रहा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, वो जाके उससे टकराएगा, इंट्रैक्शन होगा, जब इंट्रैक्शन होगा तो इनका मोमेंटम आपस में क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होगा मतलब ये उसको, वो आगे वाला मास ज्यादा है पीछे वाला थोड़ा, तो ये इसको ज्यादा पुश करेगा, तो इसकी वजह से इनकी वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं, बिल्कुल चेंज होगी, डायरेक्शन भी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। अब यहां पर आपके पास इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई और अब आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हम वी से लेंगे, तो अब यहां पर आफ्टर कोलिजन वाला हम केस देखते हैं, आपके पास जब आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन हो गई तो यहां पर आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी आती है, फाइनल मोमेंटम ऑफ एम वन, तो आपके पास जो एम वन का फाइनल मोमेंटम आएगा वो आएगा पी फाइनल एम, लिख लूंगा, क्लियर हो गया, फाइनल मोमेंटम ऑफ मास वन, ये आपके पास बराएगा, आपके पास बराबर आएगा एम एम वन। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं पी टू, तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं लिख लूंगा पी फाइनल वन, लिख लिया, क्लियर हो गया। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ एम वन के लिए हम क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम और यहां पर लिख लिया वन, मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ मास वन, ये आपके पास किसके बराबर आएगा, ये आपके पास मास वन था तो इसकी वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है वी, तो वी वन हो जाएगी, क्लियर, ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर थ्री। सिमिलरली आपके पास क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ एम टू, तो फाइनल मोमेंटम लिखेंगे और ये किसके लिए है, मास टू के लिए, तो टू लिख लिया, इक्वल टू, ये क्योंकि मास टू है तो मास टू लिख लिया, और इसकी वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है वी है और ये है टू, तो आपके पास ये आ गई, आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर फोर। आपके पास चार इक्वेशन आ गई, हमने एक चीज पढ़ी है वो ये है कि आपके पास टोटल मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड, हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि आपके पास फाइनल मोमेंटम बराबर होता है किसके, इनिशियल मोमेंटम के, तो ये हम यहां पर पुट कर लेंगे, आपके पास ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम है तो इनिशियल मोमेंटम किसके है, प्लस हम कर लेते हैं ना इन दोनों को, तो हम इन दोनों को आपस में लिख लेते हैं, ये आपके पास है सॉरी इनिशियल मोमेंटम आपके पास इधर है और फाइनल मोमेंटम इधर, तो फाइनल मोमेंटम की वैल्यूज हमारे पास किसके बराबर है, फाइनल मोमेंटम ऑफ वन प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ टू, इसके बराबर, इसी तरह इनिशियल मोमेंटम आपके पास बराबर है इनिशियल मोमेंटम ऑफ वन मास वन प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास टू, क्लियर, इनकी वैल्यूज भी हम पीछे पुट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आपके पास है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इक्वल टू, और ये आपके पास बराबर है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स फाइनल कंडीशन आ रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए, क्लियर हो गया। सिमिलरली इसकी एग्जांपल्स अगर देखें तो इसकी एग्जांपल्स आपके पास बहुत सारी हैं, आपके पास कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट है, जब भी ऑब्जेक्ट्स में कोलिजन होता है कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसी तरह से आपके पास फायरिंग अ गन, फायरिंग ए गन, नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं गन की, क्लियर है, अब एक गन जो है, गन वर्सेस बुलेट, गन और बुलेट की, लेट सपोज हमारे पास एक गन है, मैंने यहां पर एक गन बना ली, आप जब भी इसे फायर करते हैं तो आप नोट करते हैं कि बुलेट आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और इसकी रिकॉइलिंग होती है, ये गन आपके पास पीछे की तरफ आती है, ऐसा क्यों है, तो ये पीछे की तरफ आपके पास वेलोसिटी, मतलब इसकी भी लाजमी आता है कि वेलोसिटी होगी तो ऐसा क्यों होता है, तो आप नोट करें ये जो गन है इसका आपके पास कुछ मास होगा, गन का मास आपके पास क्या है, ज्यादा है, तो मैं यहां पर कैपिटल एम लिख लेता हूं, सही है, जबकि आपके पास बुलेट का मास थोड़ा होगा तो मैं यहां पर स्मॉल एम लिख लेता हूं, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ गन और इसके लिए लिख लेते हैं मास ऑफ बुलेट। अब लाजिम बात है इसकी जो रिकॉइलिंग होगी इसकी भी वेलोसिटी होगी, तो मैं लिख लेता हूं वेलोसिटी ऑफ गन,
और इसी तरह इस बुलेट की भी कुछ वेलोसिटी होगी, तो इसके लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब यहां पर इसका जो इनिशियल मोमेंटम भी होगा, फाइनल मोमेंटम भी होगा, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन। अब आप खुद देखें कि आपके पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन क्या होगा, आपके पास ये गन किस हालत में है, रेस्ट हालत में है, तो इसका आपके पास इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जीरो। हम यहां पर लिख लेते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन आपके पास है जीरो। फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम इसका कुछ ना कुछ होगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ गन आपके पास कुछ ना कुछ होगा। लाजिमी बात है इससे जब रिकॉइलिंग होगी तो आपके पास बुलेट आगे की तरफ जा रही है और ये पीछे की तरफ, तो ये किसके बराबर है, ये आपके पास बराबर है फाइनल मोमेंटम ऑफ गन प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट। क्लियर है, इन दोनों को हम चेक कर लेते, तो इसका किसके बराबर है, ये आपके पास बराबर आएगा मास ऑफ गन और आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ गन प्लस, और आपके पास क्या है, बुलेट आपके पास, तो बुलेट आपके पास हम लिख लेंगे मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ गया। क्लियर हो गया, हम इन दोनों वैल्यूज को अगर उसमें पुट करें, आपके पास जो बेसिक फार्मूला है ये वाला फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम वाला, तो आपके पास आ जाएगा जीरो इक्वल टू मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब आप ऐसा कर लेते हैं कि इसमें से एक वैल्यू को हम दूसरी साइड पर भेज देते हैं, लेट सपोज हम इस वैल्यू को दूसरी साइड पर भेज देते हैं, तो आपके पास ये माइनस में आ जाएगा, यहां पर अकेला बच जाएगा, आपके पास आ जाएगा मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास दूसरी साइड पर आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब यहां पर आप अगर फाइंड करना चाहते हैं कि इस रिकॉइलिंग की मतलब वेलोसिटी ऑफ गन, जो गन की रिकॉइलिंग हो रही है ये कितनी है, तो आप क्या कर देंगे, यहां से निकाल सकते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय एम जी कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू यहां पर है एम बी और यहां पर है वी बी डिवाइड बाय मास ऑफ गन। तो ये आपके पास इसकी फाइनल वेलोसिटी आ रही है, इसको आप बोल सकते हैं ये आपके पास क्या है, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं।